अध्याय 27 चींटी ता सीन मीम। ये कुरान तथा प्रत्यक्ष पुस्तक की आयतें हैं। मार्गदर्शन तथा शुभ सूचना है उन ईमान वालों के लिए जो नमाज की स्थापना करते तथा जकात देते हैं और वही हैं जो अंतिम दिन पर लोक पर विश्वास रखते हैं। वास्तव में जो विश्वास नहीं करते पर लोग पर हमने शोभनीय बना दिया है उनके कर्मों को, इसलिए वे बहके जा रहे हैं। यही हैं जिनके लिए बुरी यातना है तथा परलोक में यही सर्वाधिक क्षतिग्रस्त रहने वाले हैं। और हे नबी, वास्तव में आपको दिया जा रहा है कुरान एक तत्वज्ञ सर्वज्ञ की ओर से। याद करो जब कहा मूसा ने अपने परिजनों से, मैंने आग देखी है, मैं तुम्हारे पास कोई सूचना लाऊंगा या लाऊंगा आग का कोई अंगार ताकि तुम ताप। फिर जब आया वहां तो पुकारा गया, शुभ है वह जो अग्नि में है और जो उसके आसपास है और पवित्र है अल्लाह सर्वलोक का पालनहार। हे मूसा, ये मैं हूं अल्लाह अति प्रभुत्वशाली तत्वज्ञ। और फेंक दे अपनी लाठी। फिर जब उसे देखा कि रेंग रही है जैसे वह कोई सर्प हो तो पीठ फेर कर भागा और पीछे फिर कर देखा भी नहीं। हमने कहा हे मूसा, भय न कर, वास्तव में नहीं भय करते मेरे पास रसूल उसके सिवा जिसने अत्याचार किया हो। फिर जिसने बदल लिया अपना कर्म भलाई से बुराई के पश्चात, तो निश्चय मैं अति क्षमी दयावान हूं। और डाल दे अपना हाथ अपनी जेब में, वह निकलेगा उज्ज्वल होकर बिना किसी रोग के, नौ निशानियों में से है, फिरौन तथा उसकी जाति की ओर ले जाने के लिए, वास्तव में वे उल्लंघनकारियों में हैं। फिर जब आई उनके पास हमारी निशानियां आंख खोलने वाली, तो कह दिया कि ये तो खुला जादू है, तथा उन्होंने नकार दिया उन्हें अत्याचार तथा अभिमान के कारण, जबकि उनके दिलों ने उनका विश्वास कर लिया, तो देखो कि कैसा रहा उपद्रवियों का परिणाम। और हमने प्रदान किया दाऊद तथा सुलेमान को ज्ञान और दोनों ने कहा प्रशंसा है उस अल्लाह के लिए जिसने हमें प्रधानता दी अपने बहुत से ईमान वाले भक्तों पर। और उत्तराधिकारी हुआ सुलेमान दाऊद का तथा उसने कहा हे लोगों, हमें सिखाई गई है पक्षियों की बोली तथा हमें प्रदान की गई है सब चीज से कुछ। वास्तव में ये प्रत्यक्ष अनुग्रह है तथा एकत्र कर दी गई सुलेमान के लिए उसकी सेनाएं जिन्नों तथा मानवों और पक्षी की और वे व्यवस्थित रखे जाते थे, यहां तक कि वे एक बार जब पहुंचे चींटियों की घाटी पर तो एक चींटी ने कहा है चींटियों प्रवेश कर जाओ अपने घरों में, ऐसा ना हो कि तुम्हें कुचल दे सुलेमान तथा उसकी सेनाएं और उन्हें ज्ञान ना हो। तो वह सुलेमान मुस्कुरा कर हंस पड़ा उसकी बात पर और कहा है मेरे पालनहार, मुझे क्षमता प्रदान कर कि मैं कृतज्ञ रहूं तेरे उस पुरस्कार का जो पुरस्कार तूने मुझ पर तथा मेरे माता पिता पर किया है, तथा ये कि मैं सदाचार करता रहूं जिससे तू प्रसन्न रहे और मुझे प्रवेश दे अपनी दया से अपने सदाचारी भक्तों में। और उसने निरीक्षण किया पक्षियों का तो कहा क्या बात है कि मैं नहीं देख रहा हूं हुदहुद को या वह अनुपस्थितों में है, मैं उसे कड़ी यातना दूंगा या उसे वध कर दूंगा या मेरे पास कोई खुला प्रमाण लाए। तो कुछ अधिक समय नहीं बीता कि उसने आकर कहा मैंने ऐसी बात का ज्ञान प्राप्त किया है जो आपके ज्ञान में नहीं आई है और मैं लाया हूं आपके पास सबा से एक विश्वसनीय सूचना। मैंने एक स्त्री को पाया जो उन पर राज्य कर रही है और उसे प्रदान किया गया है कुछ न कुछ प्रत्येक वस्तु से तथा उसके पास एक बड़ा भव्य सिंहासन है। मैंने उसे तथा उसकी जाति को पाया कि सजा करते हैं सूर्य को अल्लाह के सिवा और शोभनीय बना दिया है, उनके लिए शैतान ने उनके कर्मों को और उन्हें रोक दिया है सुपथ से, अतः वे सुपथ पर नहीं आते। शैतान ने शोभनीय बना दिया है उनके लिए कि उस अल्लाह को सजा न करें जो निकालता है गुप्त वस्तु को आकाशों तथा धरती में तथा जानता है वह सब कुछ जिसे तुम छुपाते हो तथा जिसे व्यक्त करते हो। अल्लाह जिसके अतिरिक्त कोई वंदनीय नहीं, जो महासिंहासन का स्वामी है।
सुलेमान ने कहा, हम देखेंगे कि तू सत्यवादी है अथवा मिथ्यावादियों में से है। जाओ, ये मेरा पत्र लेकर और इसे डाल दो उनकी ओर, फिर वापस आ जाओ उनके पास से, फिर देखो कि वे क्या उत्तर देते हैं। उसने कहा, हे प्रमुखों, मेरी ओर एक महत्वपूर्ण पत्र डाला गया है। वह सुलेमान की ओर से है और वह अत्यंत कृपाशील दयावान के नाम से आरंभ है। उसमें लिखा है कि तुम मुझ पर अभिमान न करो तथा आ जाओ मेरे पास आज्ञाकारी होकर। उसने कहा, हे प्रमुखों, मुझे परामर्श दो मेरे विषय में, मैं कोई निर्णय करने वाला नहीं हूं जब तक तुम उपस्थित न रहो। सबने उत्तर दिया कि हम शक्तिशाली तथा बड़े याधा हैं, आप स्वयं देख लें कि आपको क्या आदेश देना है। उसने कहा, राजा जब प्रवेश करते हैं किसी बस्ती में तो उसे उजाड़ देते हैं और उसके आदरणीय वासियों को अपमानित बना देते हैं और वे ऐसा ही करेंगे। और मैं भेजने वाली हूं उनकी ओर एक उपहार, फिर देखती हूं कि क्या लेकर आते हैं दूत। तो जब वह दूत आया सुलेमान के पास तो कहा, क्या तुम मेरी सहायता धन से करते हो? मुझे अल्लाह ने जो दिया है उससे उत्तम है जो तुम्हें दिया है, बल्कि तुम ही अपने उपहार से प्रसन्न हो रहे हो। वापस हो जाओ उनकी ओर, हम लाएंगे उनके पास ऐसी सेनाएं जिनका वे सामना नहीं कर सकेंगे और हम अवश्य उन्हें उस बस्ती से निकाल देंगे अपमानित करके और वे तुच्छहीन होकर रहेंगे। सुलेमान ने कहा, हे प्रमुखों, तुम में से कौन लाएगा उसका सिंहासन इससे पहले कि वह आ जाए आज्ञाकारा होकर? कहा, एक अतिकाय ने, जिन्नों में सिंह मैला दूंगा आपके पास उसे, इससे पूर्व कि आप खड़े हों अपने स्थान से, और इस पर मुझे शक्ति है, मैं विश्वसनीय हूं। कहा उसने, जिसके पास पुस्तक का ज्ञान था मैं ले आऊंगा उसे आपके पास इससे पहले कि आपकी पलक झपके, और जब देखा उसने उसे अपने पास रखा हुआ तो कहा, ये मेरे पालनहार का अनुग्रह है ताकि मेरी परीक्षा ले कि मैं कृतज्ञता दिखाता हूं या कृतघ्नता, और जो कृतज्ञ होता है वह अपने लाभ के लिए होता है तथा जो कृतघ्न हो तो निश्चय मेरा पालनहार निष्प्रय महान है। कहा, परिवर्तन कर दो उसके लिए उसके सिंहासन में, हम देखेंगे कि वह उसे पहचान जाती है या उनमें से हो जाती है जो पहचानते न हो। तो जब वह आई तो कहा गया, क्या ऐसा ही तेरा सिंहासन है? उसने कहा, वह तो मानो वही है और हम तो जान गए थे इससे पहले ही और आज्ञाकारी हो गए थे और रोक रखा था उसे ईमान से उन पूजियों ने जिनकी वह इबादत वंदना कर रही थी अल्लाह के सिवा। निश्चय वह काफिरों की जाति में से थी। उससे कहा गया कि भवन में प्रवेश कर। तो जब उसे देखा तो उसे कोई जलाशय हौद समझी और खोल दी अपनी दोनों पिंडलियां। सुलेमान ने कहा, ये शीशे से निर्मित भवन है। उसने कहा, मेरे पालनहार, मैंने अत्याचार किया अपने प्राण पर और अब मैं इस्लाम लाई सुलेमान के साथ अल्लाह सर्वलोक के पालनहार के लिए, और हमने भेजा समूद की ओर उनके भाई सालेह को कि तुम सब इबादत वंदना करो अल्लाह की, तो अकस्मात वे दो गिरोह होकर लड़ने लगे। उसने कहा, हे मेरी जाति, क्यों तुम शीघ्र चाहते हो बुराई को भलाई से पहले? क्यों तुम क्षमा नहीं मांगते अल्लाह से ताकि तुम पर दया की जाए? उन्होंने कहा, हमने अपशकुन लिया है तुमसे तथा उनसे जो तेरे साथ हैं। सालेह ने कहा, तुम्हारा अपशकुन अल्लाह के पास है बल्कि तुम लोगों की परीक्षा हो रही है। और उस नगर में 9 व्यक्तियों का एक गिरोह था जो उपद्रव करते थे धरती में और सुधार नहीं करते थे। उन्होंने कहा, आपस में शपथ लो अल्लाह की कि हम अवश्य रात्रि में छापा मार देंगे सालेह तथा उसके परिवार पर, फिर कहेंगे उस सालेह के उत्तराधिकारी से, हम उपस्थित नहीं थे उसके परिवार के विनाश के समय और निसंदेह हम सत्यवादी सच्चे हैं। और उन्होंने एक षड्यंत्र रचा और हमने भी एक उपाय किया और वे समझ नहीं रहे थे। तो देखो कैसा रहा उनके षड्यंत्र का परिणाम, हमने विनाश कर दिया उनका तथा उनकी पूरी जाति का।
तो ये उनके घर हैं, उजाड़ पड़े हुए, उनके अत्याचार के कारण। निश्चय इसमें एक बड़ी निशानी है उन लोगों के लिए जो ज्ञान रखते हैं, तथा हमने बचा लिया उन्हें जो ईमान लाए और अल्लाह से डर रहे थे। तथा लूत को भेजा जब उसने अपनी जाति से कहा, क्या तुम कुकर्म कर रहे हो जबकि तुम आंखें रखते हो? क्या तुम पुरुषों के पास जाते हो काम वासना की पूर्ति के लिए? तुम लोग बड़े नासमझ हो। तो उसकी जाति का उत्तर बस ये था कि उन्होंने कहा, लूत के परिजनों को निकाल दो अपने नगर से, वास्तव में ये लोग बड़े पवित्र बन रहे हैं। तो हमने बचा लिया उसे तथा उसके परिवार को उसकी पत्नी के सिवा, जिसे हमने नियत कर दिया पीछे रह जाने वालों में, और हमने उन पर बहुत अधिक वर्षा कर दी। तो बुरी हो गई सावधान किए हुए लोगों की वर्षा। आप कह दें, सब प्रशंसा अल्लाह के लिए है और सलाम है उसके उन भक्तों पर जिन्हें उसने चुन लिया। क्या अल्लाह उत्तम है या वह जिसे वे साझी बनाते हैं? ये वो है जिसने उत्पत्ति की है आकाशों तथा धरती की और उतारा है तुम्हारे लिए आकाश से जल, फिर हमने उगा दिया उसके द्वारा भव्य बाग, तुम्हारे बस में न था कि उगा देते उसके वृक्ष, तो क्या कोई पूज्य है अल्लाह के साथ? बल्कि यही लोग सत्य से कतरा रहे हैं। या वो है जिसने धरती को रहने योग्य बनाया तथा उसके बीच नहरें बनाई और उसके लिए पर्वत बनाए और बना दी दो सागरों के बीच एक रोक, तो क्या कोई पूज्य है अल्लाह के साथ? बल्कि उनमें से अधिकतर ज्ञान नहीं रखते। या वो है जो व्याकुल की प्रार्थना सुनता है जब उसे पुकारे और दूर करता है दुहक तथा तुम्हें बनाता है धरती का अधिकारी, क्या कोई पूज्य है अल्लाह के साथ? तुम बहुत कम ही शिक्षा ग्रहण करते हो। या वो है जो तुम्हें राह दिखाता है सूखे तथा सागर के अंधेरों में तथा भेजता है वायुओं को शुभ सूचना देने के लिए अपनी दया वर्षा से पहले, क्या कोई और पूज्य है अल्लाह के साथ? उच्च है अल्लाह उस शिर्क से जो वे कर रहे हैं। या वो है जो आरंभ करता है उत्पत्ति का फिर उसे दोहराएगा तथा जो तुम्हें जीविका देता है आकाश तथा धरती से, क्या कोई पूज्य है अल्लाह के साथ? आप कह दे कि अपना प्रमाण लाओ यदि तुम सच्चे हो। आप कह दे कि नहीं जानता है जो आकाशों तथा धरती में है परोक्ष को अल्लाह के सिवा, और वे नहीं जानते कि कब फिर जीवित किए जाएंगे, बल्कि समाप्त हो गया है उनका ज्ञान आखिरत पर लोक के विषय में, बल्कि वे द्विधा में हैं, बल्कि वे उससे अंधे हैं। और कहा काफिरों ने, क्या जब हम हो जाएंगे मिट्टी तथा हमारे पूर्वज तो क्या हम अवश्य निकाले जाएंगे? हमें इसका वचन दिया जा चुका है तथा हमारे पूर्वजों को इससे पहले, ये तो बस अगलों की बनाई हुई कथाएं हैं। हे नबी, आप कह दे कि चलो फिरो धरती में, फिर देखो कि कैसा हुआ अपराधियों का परिणाम, और आप शोक न करें उन पर और न किसी संकीर्णता में रहें उससे जो चालें वे चल रहे हैं। तथा वे कहते हैं, कब ये धमकी पूरी होगी यदि तुम सच्चे हो? आप कह दें, संभव है कि तुम्हारे समीप हो उसमें से कुछ जिसे तुम शीघ्र चाहते हो, तथा निसंदेह आपका पालनहार बड़ा दयालु है लोगों पर, परंतु उनमें से अधिकतर कृतज्ञ नहीं होते, और वास्तव में आपका पालनहार जानता है उसे जो छुपाते हैं उनके दिल तथा जो व्यक्त करते हैं, और कोई छुपी चीज नहीं है आकाश तथा धरती में परंतु वह खुली पुस्तक में है। निसंदेह ये कुरान वर्णन कर रहा है इसराइल की संतान के समक्ष उन अधिकतर बातों को जिनमें वे विभेद कर रहे हैं, और वास्तव में वह मार्गदर्शन तथा दया है ईमान वालों के लिए। निसंदेह आपका पालनहार निर्णय कर देगा उनके बीच अपने आदेश से, तथा वही प्रबल सब कुछ जानने वाला है। अतः आप भरोसा करें अल्लाह पर, वस्तुतः आप खुले सत्य पर हैं। वास्तव में आप नहीं सुना सकेंगे मुर्दों को और न सुना सकेंगे बहरों को अपनी पुकार जब वे भागे जा रहे हों पीठ फेर कर।
तथा आप अंधे को मार्गदर्शन नहीं दे सकते उनके कुपत से, आप तो बस उसी को सुना सकते हैं जो ईमान रखता हो हमारी आयतों पर, फिर वह आज्ञाकारी हो। और जब आ जाएगा बात पूरी होने का समय उनके ऊपर, तो हम निकालेंगे उनके लिए एक पशु धरती से, जो बात करेगा उनसे कि लोग हमारी आयतों पर विश्वास नहीं करते थे। तथा जिस दिन हम घेर लाएंगे प्रत्येक समुदाय से एक गिरोह उनका, जो झुठलाते रहे हमारी आयतों को, फिर वे सब एकत्र किए जाने के लिए रोक दिए जाएंगे। यहाँ तक कि जब सभा जाएंगे तो अल्लाह उनसे कहेगा, क्या तुमने मेरी आयतों को झुठला दिया जबकि तुमने उनका पूरा ज्ञान नहीं किया, अन्यथा तुम और क्या कर रहे थे। और सिद्ध हो जाएगा यातना का वचन उनके ऊपर उनके अत्याचार के कारण, तब वे बात नहीं कर सकेंगे। क्या उन्होंने नहीं देखा कि हमने रात बनाई ताकि वे शांत रहें उसमें, तथा दिन को दिखाने वाला। वास्तव में इसमें बड़ी निशानियां लक्षण हैं उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। और जिस दिन फूंका जाएगा सूर नरसिंहा में, तो घबरा जाएंगे वे जो आकाशों तथा धरती में हैं। परंतु वह जिसे अल्लाह चाहे तथा सब उस अल्लाह के समक्ष आ जाएंगे विवश होकर। और तुम देखते हो पर्वतों को तो उन्हें समझते हो स्थिर अचल हैं, जबकि वे उस दिन उड़ेंगे बादल के समान। ये अल्लाह की रचना है जिसने सुदृढ़ किया है प्रत्येक चीज को, निश्चय वह भली भांति सूचित है उससे जो तुम कर रहे हो। जो भलाई लाएगा तो उसके लिए उससे उत्तम प्रतिफल है, और वह उस दिन की व्यग्रता से निर्भय रहने वाले होंगे। और जो बुराई लाएगा तो वही झोंक दिए जाएंगे औंधे मुंह नरक में, तथा कहा जाएगा तुम्हें वही बदला दिया जा रहा है जो तुम करते रहे हो। मुझे तो बस यही आदेश दिया गया है कि इस नगर मक्का के पालनहार की इबादत वंदना करूं जिसने इसे आदरणीय बनाया है, तथा उसी के अधिकार में है प्रत्येक चीज, और मुझे आदेश दिया गया है कि आज्ञाकारियों में रहूं तथा कुरान पढ़ता रहूं। तो जिसने सुपथ अपनाया तो वह अपने ही लाभ के लिए सुपथ अपनाएगा, और जो कुपथ हो जाए तो आप कह दे कि वास्तव में मैं तो बस सावधान करने वालों में से हूँ। तथा आप कह दे कि सब प्रशंसा अल्लाह के लिए है, वह शीघ्र तुम्हें दिखा देगा अपनी निशानियां जिन्हें तुम पहचान लोगे, और तुम्हारा पालनहार उससे अचेत नहीं है जो कुछ तुम कर रहे हो।